भारत माता की जय बोलना ही हमारा भावनात्मक रिश्ता है। भगत सिंह भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते 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 फांसी के फंदे को चूमा था। जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी भारत माता की जय बोलते हुए दी, मैं समझता हूँ जो भारत माता की जय नहीं बोलता है वो शहीदों का अपमान करता है। तो इसको धर्म और सबसे ऊपर लेके देश के लिए राष्ट्र धर्म है हमारा है भारत माता की जय बोलना। जो राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करते वो इस प्रकार की बेवकूफ़ीपूर्ण बात करते हैं। शशि थरूर के बारे में सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं, तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं। और उनको भगत सिंह कन्हैया में दिख रहा है, तो ये भी उनका मानसिक दिवालियापन है। देश के इतिहास और भूगोल के बारे में और देश की राजनीति के बारे में अभी भी राहुल जी ने गंभीरता से मिल गया। इसलिए विपक्ष के पास नेता नहीं होने के बाद लीडरलेस पार्टियां होगी, तो एक लीडर ढूंढ रहे कहीं पे एक कोई हमको वोट देने वाला मिल जाए। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी लगी जब मैंने आसाम में और पश्चिम बंगाल में कन्हैया के पोस्टर देखे। अब कन्हैया के नाम पर अगर वोट मांगने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जाएगी, तो इससे और उनके मानसिक दिवालीपन का उदाहरण क्या हो सकता है। ये लोग क्या है कि मीडिया में स्थान पाने के लिए और कुतर्क के माध्यम से हर चीज़ को सिद्ध